अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अनदर डे अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे हांगकांग, बट नहीं, मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कुआलालंपुर, क्योंकि हम लोग कल रात को मलेशिया आ गए हैं। तो अभी आज हमारा फर्स्ट डे है कुआलालंपुर में और हम लोग यहाँ पर हैं एक हफ्ते के लिए। कल एक बहुत सैड इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, और वो ये कि यार जहाज में मेरा फोन टूट गया। फोन नहीं, मतलब फोन का जो रेयर कैमरा होता है ना, वो टूट गया। तो उसके जितने टुकड़े हुए हैं ना, उससे ज़्यादा मेरे दिल के टुकड़े हुए हैं। और मुझे तो बुरा लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल एक दिन पहले मैं व्लॉगिंग के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी अपने साथ। मैंने ये गिम्बल लिया कि यार मैं व्लॉग करती हूँ तो अच्छा हो, साथ में मेरे पास पावर बैंक नहीं था, मैंने पावर बैंक लिया। मेरे पास एयरफोन्स नहीं थे तो मैंने ये वायरलेस एयरफोन्स लिए। उसके अलावा मैंने जो है ये भी लिया कि यार मैं बाहर व्लॉग बना रही होती हूँ तो उसमें ये होता है कि भाई कभी माइक्रोफोन चाहिए होता है जब आसपास शोर होता है, तो मैं कल ये माइक्रोफोन भी लेकर आई। और इतनी सारी तैयारी के बाद मुझे लगता है मेरी अपनी नज़र लग गई, जब मैं बहुत खुश थी कि यार सब कुछ जो है ना मैं परफेक्ट हो गया है और मैं अब ज़बरदस्त टाइप के व्लॉग्स बनाऊंगी, और साथ में मेरा फ़ोन टूट गया। यार मैं कैसे भूल गई, मैंडेटरी रूम टूर तो देना लाजमी है। इस टाइम पे रूम की हालत बहुत गंदी हो रही है, मैं आप लोगों को जल्दी सिखा दूँ। ये देखें, बहुत गंदा रूम है। तो मैंने रात को पहुँचते साथ ही एक क्लीन रूम टूर रिकॉर्ड कर लिया था, तो जल्दी से पहले वो देख। अभी हमने ऑर्डर कर लिया है खाना, तो जल्दी जल्दी से मैं ये निकाल रही हूँ। यहाँ पे हमने मैंगो लस्सी बनाई है, उन्होंने सारी चीज़ें ना इसे थैले में डाल के दी हैं। ये देखिए चाय भी शॉपर के अंदर आई है और ये जो लस्सी है ना, ये भी मैंगो लस्सी, ये भी इसके अंदर आई है। यहाँ पे जो खाने के प्राइसेस हैं वो हांगकांग के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं यार, काफ़ी चीप है। मतलब वहाँ हांगकांग में हम लोग एक बंदे का खाना जितने पैसों में लेते हैं ना, उससे आधे पैसों में दो बंदों का खाना है यहाँ पर, तो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा लें। खैर, हमने मंगाई है मैंगो लस्सी और ये है एक चिकन के साथ कोई सालन है, ये चने हैं और साथ में रोटी है। और इस वक्त सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ ही मैं हूँ, बिकॉज फहद इज वर्किंग। उनके लिए इट्स अ स्टेकेशन, क्योंकि उन्होंने काम करना है और मेरे लिए ये वेकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे करीब में मॉल है, वहाँ पे हम जाते हैं। और उसके अलावा आसपास मैंने रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करने कौन से हैं अच्छे, जहाँ पे हम जा सकते हैं शाम के टाइम पे जब भाग फ्री होंगे। और ये देखें, रात को आते हुए यहाँ पे इतनी सारी फिशेस मुझे नज़र आई, इतनी अच्छी लग रही थी। और ये नीचे का व्यू इतना खूबसूरत है, हम लोग इसी ऊपर ही किसी बिल्डिंग में हैं, क्योंकि मुझे ऊपर से ना ये वाला व्यू नज़र आ रहा था। मैं अपने फ़ोन का माइक चेक कर रही हूँ, मैंने आप लोगों को भी दिखाया था ना जो मैंने गैजेट्स लिए थे, उस मैंने माइक्रोफोन भी लिया था, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी है और शोर में किस तरह की आती है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आप लोग को आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है। कि बिल्डिंग के नीचे एक मार्ट है, तो शाम के टाइम पर यहाँ पर मैंने आके थोड़ा सौदा सेल्फ लेने। लिटरली रिग्रेट कमिंग आउट इन द सन, इतनी तेज धूप है, मेरी लिटरली स्किन जल रही है इस वक्त। गाइस बहुत बैड आइडिया था इस टाइम पे बाहर घूमने का, मेरी सज्जी बन गई है इस टाइम पे इतनी शदीद धूप में। कह रहा है सनसेट तक यहीं रहूं फिर घर जाऊं। 3 मिनट की वॉक है, वो भी मुझसे नहीं चली जाएगी। तो हम आ गए हैं मॉल में और एकदम से ठंडक ठंडक मज़े का फील हुआ यहाँ आके। खैर अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कौन कौन सी शॉप्स हैं यहाँ पर, किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। के पास थोड़े हमारे टाइप के भी कपड़े हैं, मतलब कि ऐसे लॉन्ग टाइप के फ्रॉक्स और इस तरह की शर्ट्स हैं जो कि हम भी पहन सकते हैं, ये देखें। लेकिन ये नीचे पता नहीं क्या धोती के साथ है क्या है। नो, हम लोग नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम लोग उमरे के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए एहराम हमें हांगकांग से मिल गया था, लेकिन मैं अपने लिए जब अबाया लेने के लिए गई तो वो इतने फैंसी टाइप के मिल रहे थे, नग लगे हुए थे, लेसें लगी हुई थी, तो मुझे कोई सिंपल सा चाहिए था, मैंने वहाँ से नहीं लिया था, वो मैंने सोचा कि मैं मलेशिया से ले लूँगी। ये वाली शॉप है,
फितरल हज। ये डिफरेंट अबाया हैं, पर ये भी कुछ अजीब और गरीब स्टाइल के हैं, मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, ये आ गए ब्लैक। ये देखिए, ये प्लेन है, ब्लैक हो, ब्लू हो, पिंक हो, ऐसे लेकिन प्लेन टाइप के अच्छे लगते हैं। ट्रेन इतनी अच्छी है, साफ सुथरी सी और इतनी अच्छी कलरफुल सी। ये देखें, पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे हांगकांग के मुकाबले कोई ट्रेन अच्छी लगी है। यहाँ की ट्रेन अच्छी है, स्टेशन भी साफ सुथरे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं बुकित बिंतांग। रोजा खुल चुका है, हमने अभी अभी सिर्फ खजूर से रोजा खोला है, साथ में हम इफ्तारी लेकर आए हैं। जल्दी से कहीं बैठ के खाते हैं क्योंकि बहुत सख्त भूख लग रही है। पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे घुमाऊंगी। और पहले हमने कुछ अच्छा सा स्पॉट ढूंढना है। सो गाइज, जैसे न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर है, ऐसे यहाँ पर भी बना हुआ है और इसे कहते हैं बरजाया टाइम्स स्क्वायर। तो ये देखें, इस तरह से है। यहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड मिल रहा है। हमें आइडिया नहीं था कि स्ट्रीट फूड यहाँ से मिलेगा इस टाइम पे, रमज़ान के टाइम पे। तो हम लोग जो है ना, अपने साथ पिज्ज़ाज लेके आए थे। हमने कभी बैठ के कहीं पिज़्ज़ा खाने हैं, लेकिन कल जब हम दोबारा इस जगह पर आएंगे तो हम लोग ये वाला सारा स्ट्रीट फूड। अभी हम लोग एक और जगह पे आए हैं और यहाँ पे ये देखिए, मलेशियन स्टाइल कपड़े मिल रहे हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी, ऐसे ही हैं सेम इस तरह का सिल्क वाला स्टफ है। यूजुअली हम तो इस तरह का सिल्क नहीं पहन सकते भाई, इतनी सुपर भी लगती है। खैर, अभी हमें समझ आ रहा है कि हम कहाँ घूम रहे हैं। मैंने ना अबाया लेना था उस दिन जो मैंने मॉल में पसंद किया था, आप लोग इसी ब्लॉग के स्टार्ट में देखेंगे, तो वो मुझे अच्छा लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कहीं और से पता करती हूँ, अगर उससे अच्छी प्राइस में कहीं और से मिल गया तो ले लूँगी, अदरवाइज मैंने वही वाला लेना, मुझे अच्छा लग गया था वो वाला। शॉप में आई हूँ, इधर जो है ना वो केएल स्टाइल ड्रेसेस मिल रहे हैं। ये लेते हैं, तो मुझे पसीना आ रहा है ना, यहाँ पे गर्मी बहुत है भाई। और अब हम चल के आगे हैं बरजाया स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर मॉल। ये देखें, हम लोग आ गए हैं बरजाया टाइम्स स्क्वायर मॉल पे। तो थोड़ा सा यहाँ घूमे फिरेंगे और फिर जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हम लोग बस आज के दिन ना सारी शॉप्स वगैरह एक्सप्लोर करें। और दूसरी बात, ये जो मेरा फ़ोन टूटा है ना, इसके जो पीछे रेयर कैमरे की स्क्रीन टूट गई है, तो मुझे ना वो भी फिक्स करवानी है। तो यहाँ पर मैं वो भी देख रही हूँ कि कौन सी शॉप से फिक्स होगी। तो अब इफ्तारी के बाद हो गया है मीठे का वक्त, और ये देखें क्या मिल रहे हैं। यहाँ पे चूरोज मिल रहे हैं और वहाँ पे बास्किन रॉबिन्स मिल रही है। सो अब हम खाने लगे हैं चूरोस। मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट एक्लेयर चूरोस, ये वाला, ये देखें। आज मैंने आइसक्रीम को डिच करके चूरोस ले लिए। कैसे पकड़ना पा इसको, मजेदार। अब हम जाने लगे हैं वापस से होटल, और हो रहा है आइसक्रीम ओ क्लॉक। मैंने ली है मैग्नम यहाँ पे। तो जल्दी से घर चलते हैं यार, यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। मैं तो हांगकांग से आई हूँ, मैंने साथ में ये देखे अपर भी पहना हुआ है, ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा है। सो गाइज, वी आर बैक होम। आई होप यू एंजॉय टुडेज व्लॉग। इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।